हेलो स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 4 ही चल रही है, थोड़ी लंबी यूनिट है, ठीक है। और मैकेनिक्स के पार्ट की बात करें तो ये तो यूनिट नंबर 7 जो हमारी है कंसोलिडेशन वाली, ठीक है, और शेयर स्ट्रेंथ, वो दो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट्स है और सारी सॉइल मैकेनिक्स उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद तो रिटेनिंग वॉल वगैरह रह जाती है यूनिट नंबर 9, वो हम लोग देते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर उससे पहले में देखा जाए तो यूनिट नंबर 4 आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, हमारा जो यूनिट नंबर 4 चल रहा है, ठीक है, उसका मैंने आपको कम्युनिटी वाला पार्ट आपको खत्म करा दिया, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपको जस्ट टोटल हेड जो सिखा गया था, टोटल हेड वो मैंने आपको बताया था सॉइल के लिए डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम बात कर रहे हैं, जब हमारी सॉइल की बात हो। अगर हमारी फ्लूड की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी हेड भी आ जाएगा, वेलोसिटी हेड आएगा। लेकिन सॉइल में क्या है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है वो मेरी परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है फॉर्मूले में, और परमिटिविटी इसकी क्या है, बहुत ज़रा नेगेटिव में है वैल्यू, और अगर मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा तो और नेगेटिव में छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इस वेलोसिटी हेड को हमने नेगलेक्ट कर दिया। किसके केस में, सिर्फ सॉइल वाले केस में। उसके बाद मैंने आपको एक चीज देख लेना लास्ट वाली उसमें, ठीक है, मैंने आपको जो सीपेज हेड बताया था जिसे मैं स्मॉल एस से नोट करता हूं, ठीक है, तो लास्ट सीन में देख लेना, यहाँ पे सीपेज हेड लिखा था, यहाँ पे जो मैंने लिखा हो वो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला किसका होता था, वो आई का होता था, आई आई को मैं क्या बोलता, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, जिसे मैं किससे नोट करता हूं, आई से, ठीक है, वो होता है आपका सीपेज हेड, ठीक है। और सीपेज हेड आपका किसके बराबर होता है, हेड लॉस के बराबर, किसके ऊपर, पर यूनिट लेंथ, जितनी भी लेंथ में हो रहा है। तो यहां थोड़ा करेक्शन देख लेना, अगर करेक्शन हो तो, अगर मैंने वहां पे आपको सीपेज हेड के बराबर लिखवाया था ये चीजें पर यूनिट लेंथ वाला, तो वहां थोड़ा करेक्ट कर लेना, बाकी आपका हाइड्रोलिक लेंथ ही है, ठीक है। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एच एल अपॉन एल, ये मेरा आ गया प्रेशर हेड, जो मेरी लास्ट आपकी हेडिंग थी, ठीक है, सीपेज हेड जो आपका ये सीपेज हेड, ठीक है, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, ये एच एल अपॉन एल को आपको एच टू माइनस एच वन को आपको स्मॉल एच से डिनोट कर सकते हैं कभी कभी जगह पे। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए आगे चल के सीपेज हेड में यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, अगर आपको लास्ट टाइम में मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट या फिर सीपेज हेड लिखवा दिया हो तो वो सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ, सीपेज हेड को हम लोग हेड लॉस बोलते हैं, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ वो किसके बराबर होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट के बराबर। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, मैं इसमें स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने वहां पे सीपेज हेड लिखवा दिया होगा तो, ठीक है, बाकी आप देख लेना। तो देखो ये वाली बात होगी हमारी किसकी, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ठीक है, इतना मैंने आपको जैसे लेके चला हूं, अब यही सब लोग अपना कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। ये चीज दोबारा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन के लिए, कि हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट को आई से डिनोट करते हैं और वो होता है सीपेज हेड अपॉन लेंथ। अगर मैंने यहाँ पे गलती से सीपेज हेड लिख दिया वहां पे तो देख लेना, ठीक है, नियो की बात आपकी सीपेज हेड तक की, यहां से अपनी स्टोरी आगे चलाते हैं, ठीक है। तो कहानी चल रही है यूनिट नंबर 4 में, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमने सॉइल का सीखी परमिटिविटी, उसके फैक्टर सीखे, क्या हमारे फैक्टर होते हैं, किसने फैले सॉइल अपने अंदर से फ्लूड को बहने देता है, वाटर को बहने देता है। अब हम लोग देख रहे हैं जो बह रहा है तो उसमें भी प्रेशर जरूर लगा रहा होगा। मैंने आपको बताया है कि अगर सॉइल में से वाटर आपका बह रहा है तो वो आपका कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, तो देखो, और उसका हेड लॉस हो रहा होगा, मतलब जो पानी का लेवल एक एक जगह पर होता है दूसरी जगह पर उसका लेवल घटता है, क्यों, कुछ वाटर आपके सॉइल की सैचुरेटेड की वजह से हेड लॉस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये मेरी कहानी चल रही है आगे, ठीक है, ये देखना दोबारा मैं बोल रहा हूँ स्टार मार्क इसलिए यहाँ पे करा है कि हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट देख लेना यहाँ पे, ठीक है, कहीं डाउट ना आए कल कल आपको, अगर डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी, वो हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट आई वाला, ठीक है। तो अब देखो ये मेरी क्या बात हो गई, जस्ट मेरी आपकी सीपेज हेड की बात हो गई। अब देखो, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीपेज प्रेशर, ध्यान समझते रहना, न्यूमेरिकली बात करें तो बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से न्यूमेरिकल लिख दोगे, आसानी से न्यूमेरिकल कर भी दोगे, फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, न्यूमेरिकल कर लोगे, लेकिन बात वही रह जाती है, जब तक सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं उस टॉपिक का। देखो मैंने क्या निकाल लिया अपना
सीपेज हेड निकाल लिया, सीपेज हेड निकाल लिया, जो मैं स्मॉल एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या होता है मेरा सीपेज हेड जो मेरा होता है वो एच एल अपॉन एल जो मेरा हेड लॉस के बराबर होता है, जगह नहीं है, ठीक है। तो मेरा सीपेज हेड मैंने आपका निकाल लिया, ये मेरा कहानी इसके आगे स्टार्ट हो रही है, सीपेज प्रेशर। सर ये प्रेशर आया कहां से? देखो मान लो ये मेरा सॉइल का मास है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब देखो अगर फ्लूड मेरा इसके अंदर से फ्लो करेगा, ठीक है, इसके अंदर से मेरा फ्लूड अगर फ्लो करेगा तो क्या होता है? अब देखो वाटर जब मेरा फ्लूड के सॉइल मास के अंदर से मेरा फ्लो कर रहा होता है तो देखो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या करेगा वॉटर जो है, जैसे कैपिलरी वाले केस में हो रहा था, वॉटर जो है एक सॉइल के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है। जब वो उसके ऊपर फ्लो कर रहा होगा तो क्योंकि उसकी तरह वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा, इसको पानी को बहने नहीं देगा, सॉइल के पार्टिकल आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपेज प्रेशर। सीपेज वाटर का मतलब हुआ जो आपको सीप करके निकलता है वाटर, सीप करके इस पॉइंट से उस वाले पॉइंट तक आपको सॉइल के मास के पार्टिकल के ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जैसे हम लोग हाइट में नहीं बोलते हैं प्रेशर हेड आपका जो लग रहा होता है एच इंटू गामा डब्ल्यू की साइड पर, वो क्या कर रहे होते हैं सॉइल के पार्ट वाटर के पार्टिकल किसके ऊपर लगा रहे होते हैं, सॉइल के पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते थे। तो सेम हमारा इसी में है कि वाटर के मॉलिक्यूल आपको किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, सॉइल के पार्टिकल के ऊपर। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सीपेज प्रेशर। अब अगर मैं सीपेज प्रेशर के, मैं इसको पी एस से डिनोट कर रहा हूं सीपेज प्रेशर को, ठीक है, एस सीपेज और पी से प्रेशर, चलो लिख देता हूं यहां पे। अब देखना, मैंने पहले ही बोला है इस यूनिट का जो भी हमें पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चालू हो चुके हैं, इसके बाद जो मैं पढ़ा चला जाऊंगा हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज ए टू जेड जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझते रहने की चीज। तो देखो सीपेज प्रेशर क्या होता है मेरा, वो होता है सीपेज का जो मेरा हेड आया, ये मेरी जो हाइट आती है कुछ भी है मेरी हाइट, सीपेज हेड जो मेरा एच आया, ठीक है, सीपेज हेड जो आया मेरा ये स्मॉल एच, ठीक है, मान लो मैंने स्मॉल एच से डिनोट कर रखा है, वो सीपेज हेड मेरा जो भी आया इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो हम लोग पोर वाटर प्रेशर लिखते थे, तो सेम है वहां पे भी। सीपेज प्रेशर क्या हो जाएगा, सीपेज प्रेशर कौन सा प्रेशर है, जो वाटर के मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं जब वो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर सीपेज प्रेशर आता सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू। तो देखो सीपेज हेड अगर मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, इनटू गामा डब्ल्यू, लेकिन अब एक बात देखो, मैंने हाइड्रोलिक एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, सीपेज हेड, ठीक है, अपॉन जितनी वो लेंथ पे हो रहा होगा या फिर जितनी वो डेप्थ पे हो रहा होगा, जितनी भी डेप्थ पे हो रहा होता है वो जितनी भी लेंथ पर आपका फ्लो कर रहा होता है हाइड्रोलिक एरिया, ठीक है, ये मेरे को पता है, ठीक है। अब मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, एच की वैल्यू निकाल लो सीपेज हेड की, आई इंटू जेड, तो आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू, ये मेरा क्या आ गया पी एस, जो किसके इक्वल है सीपेज प्रेशर के इक्वल, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे सुन में सीपेज प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो वाटर के मॉलिक्यूल सॉइल के पार्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं फ्लो करते समय, ठीक है। सीपेज प्रेशर किसके न्यूमेरिकली किसके वैल्यू होता है, ये बराबर सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सीपेज हेड कैसे निकालते हैं, जो मैंने स्मॉल एस से डिनोट करा था आपका, जो क्या होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ या फिर सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ, और उसको बराबर किस लिखते हैं ये, या तो क्या होता है सीपेज हेड वो हाइट h1 माइनस h2, ठीक है, और किसका जितने भी लेंथ के ऊपर हो रहा है या फिर जितने भी डेप्थ के ऊपर हो रहा हो, अगर सॉइल की डेप्थ है या फिर लेंथ है उसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो सीपेज प्रेशर किसके बराबर हो गया, आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये तो हो गई मेरी किसकी बात, आपकी सीपेज प्रेशर की, ठीक है। अब मैं एक और टर्म लिखवा रहा हूं, वो है सीपेज फोर्स। क्वेश्चन में पूछता बच्चे से सीपेज फोर्स है, बच्चा निकाल के सिर्फ सीपेज प्रेशर आ जाता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान देना। अब देखो आपको क्या हो गया, फोर्स की तरह आ गया। अब देखो एक चीज और सिखाई होगी मैंने आपको, या फिर आपने देखी होगी स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस लेवल या फिर प्रेशर, जो भी पोर वाटर प्रेशर आपका लगा होता है, हमने उसको स्ट्रेस को पोर वाटर प्रेशर लिख लेते हैं, ऐसे सीपेज प्रेशर जो वाटर वाला होता है उसको प्रेशर के रूप में लिख लेते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है,
फोर्स निकालना है और तुम्हें क्या करूंगा प्रेशर इंटू एरिया या फिर स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पे वो लग रहा होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस से देख लो या फिर प्रेशर से देख लो, प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इंटू जितने एरिया पे वो लग रहा होगा। तो सीपेज प्रेशर मुझे यहां से पता है और एरिया से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा सीपेज फोर्स। तो पी एस मेरा क्या हो गया सीपेज प्रेशर इंटू एरिया पे जितने वो लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा मेरा सीपेज फोर्स। अब देखो पीएस कितना है आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू और मुझे समझ लग रहा है एरिया, ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर टू। चलो इसे नोट कर लेना, हेडिंग लिख लो। ठीक है, इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब देखो वो मैंने बताया आपको करेक्शन कर लेना, अगर मैंने वहां पे सीपेज हेडवेंड को ध्यान आ रहा है, अगर सीपेज हेडवेंड वहां पे लिखवा दिया हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट क्या होता है आपका, दोबारा बता देता हूं उस चीज को जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला। हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट जो आपका होता है वो होता है सीपेज हेड पर यूनिट लेंथ या फिर डेप्थ जो भी आपका होता है। ठीक है, अगर गलती से मैंने आपको सीपेज हेड लिख दिया हो तो वो देख लेना। तो वो बात हुई खत्म, दोबारा मैंने उसको डिस्कस कर दिया अगर कहीं बस कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सीपेज प्रेशर सीपेज फोर्स निकल गया, एक टर्म और पूछ लेता है वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। अब जैसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही स्पेसिफिक सरफेस फोर्स क्या हो जाएगा आपका सीपेज फोर्स, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा मैंने आपको पर्यूनिटी में सिखाया था स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही स्पेसिफिक सरफेस फोर्स क्या होगा सीपेज फोर्स, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो सीपेज फोर्स की वैल्यू मेरे को बता दो क्या है, ये है I into Z into गामा डब्ल्यू इंटू एरिया। ठीक है, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम V लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं I into Z into गामा डब्ल्यू इंटू एरिया, और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं एरिया इंटू कोई भी हाइट सेम आपकी हो जाएगी, तो एरिया इंटू मैंने आपकी लिख ली कोई भी आपकी Z जो भी कोई भी आपकी हाइट होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो एरिया से ये वाला एरिया गया, Z से कोई भी डेप्थ से ये वाली डेप्थ गई, कोई भी डेप्थ हो कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहां से मेरा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या निकल गया है I इंटू गामा डब्ल्यू। ये वॉल्यूम को मैं हमेशा पूरी सॉइल में किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं वी वाले से, और अगर खाली वी कहीं आपको दिखा मिल जाए किसी भी लेक्चर में वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और अगर ये डैश वाला देखा जाए तो वॉल्यूम, ये मैंने आपको डिनोशन आपने दिखाए थे पहले भी। ठीक है, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरी बात किसी होगी आपकी स्पेसिफिक सीपेज फोर्स की, वो आपसे कभी कभी स्पेसिफिक सीपेज फोर्स पूछ लेता है। ठीक है, सीपेज फोर्स तक तो सबको पता होता है, ये वाली फॉर्मूला सभी याद करके चले जाते हैं, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स आपको वो बना कर दे सकता है आजकल के टर्म में जो ऑब्जेक्टिव में जो कंपटीशन आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसके आगे लिखा दो। ठीक है, तो देखो ये तो भाई बात हुई सीपेज प्रेशर की, अब जो आपका सीपेज प्रेशर होता है इसको हमने मैथमेटिकली भी सीख लिया, इसकी डेफिनेशन भी देख ली, ये कौन सा प्रेशर है कौन किस पे लगा रहा है, अब इसका नेचर देख लेते हैं। ठीक है, कैसे नेचर का होता है ये देखो, सीपेज प्रेशर जो लगा होता है वो ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा होगा ऑब्वियस सी बात है ये सीपेज प्रेशर, कौन सा प्रेशर है जो वाटर के मॉलिक्यूल किस पे लगा रहे हैं सॉइल के पार्टिकल ऊपर लगा रहे हैं, अब जिस डायरेक्शन में आपका वाटर का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में तो प्रेशर लग रहा होगा। मान लो ये मेरा सॉइल का मास है, ठीक है, यहाँ पे अगर वाटर है अभी
तो इसी पार्ट के ऊपर तो आपको क्या लग रहा होगा, सीपेज प्रेशर लग रहा होगा। अब पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया तो इस पार्ट के ऊपर भी क्या लग रहा होगा, पूरे के पार्ट के ऊपर आपका सीपेज का प्रेशर लग रहा होगा। तो सेम बात है, वो अभी किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर, ठीक है। तो देखो ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव लाइन बोल सकता है वो। ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सीपेज जो मेरा प्रेशर होता है, ठीक है। तो देखो अब इस सीपेज प्रेशर की वजह से, इस सीपेज प्रेशर की वजह से जो मेरा वर्टिकली अफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो या तो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। कैसे, वो क्योंकि देखो अफेक्टिव स्ट्रेस वर्टिकल अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, जो हाइट के साथ इंक्रीज करता चला जाता है, एक मीटर पे निकालो, दो मीटर पे, तीन मीटर पे, चार मीटर पे, तो बढ़ता चला जाएगा। अगर डेप्थ के ऊपर बात करें तो वर्टिकल अफेक्टिव स्ट्रेस मेरा क्या होता है, डेप्थ के अकॉर्डिंग तो बढ़ता है, लेकिन सीपेज प्रेशर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीपेज प्रेशर कहां लगने वाला है, जिस भी डायरेक्शन में वो आपका फ्लो हो रहा होगा। तो या तो ये इंक्रीज भी कर सकता है या फिर ये डिक्रीज भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि डिपेंड्स ऑन सीपेज प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीपेज प्रेशर के डायरेक्शन के फ्लो के ऊपर, ठीक है, सीपेज प्रेशर के डायरेक्शन के ऊपर कि वो कहां डायरेक्शन ले लिए, ठीक है। मान लो आपका जो फ्लो पानी का जो फ्लो कर रहा है वो फर्स्ट केस में वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। अब देखो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका फ्लो हो रहा है, तो देखो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका फ्लो हो रहा है तो सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो सीपेज प्रेशर किस में लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जो आपका ये होता है सीपेज प्रेशर वो कहां पे एक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के ऊपर। तो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो जो है वो सीपेज प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। ये हो गई मेरी बात, यहां पे खत्म। तो अफेक्टिव स्ट्रेस का क्या हाल होगा, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है मेरा, वर्टिकली अफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा, अब देखो ये भी नीचे लग रहा है और अफेक्टिव स्ट्रेस मेरा हाइट के साथ इंक्रीज करता रहता है, therefore मेरा क्या होगा, effective stress मेरा increase कर जाएगा। समझ में आया, क्यों कर जाएगा, क्योंकि सीवेज प्रेशर भी उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हम केस ले रहे हैं अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और effective stress डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, तो दोनों मिल गए एक दूसरे से, तो क्या हो गया आपका जो पूरा टोटल प्रेशर होगा वो क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया, तो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब देख लो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अब अगर आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो देखो आपका अफेक्टिव स्ट्रेस तो नीचे के लग रहा होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेकिन अब आपका फ्लो जो रहा होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण सीपेज प्रेशर आपका कहां लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सीपेज प्रेशर इस बार किसमें लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि आपका फ्लो किसमें हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें दोनों रिलेशन क्या है, सीपेज प्रेशर जब भी लगता है आपका किस पे लगता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर लग रहा होता है। तो देखो सीपेज प्रेशर ऊपर लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अफेक्टिव स्ट्रेस तो सेम ही रहने वाला है, वो तो वही रहेगा, हाइट के साथ इंक्रीज करता रहता है, अफेक्टिव स्ट्रेस में कितना लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ क्या हो रहा था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, दोनों मिलकर बढ़ जाते थे, ये डाउनवर्ड में लग रहा है, ये अपवर्ड में लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आपका जो अफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कौन से वाले केस में, इन अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। इसे नोट कर लो, आगे कराते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मेन बात हो गई आपकी सीपेज प्रेशर की। अब देखो एक तो कंडीशन हो गई ये वाली, फ्लो अपवर्ड और फ्लो डाउनवर्ड वाली। एक कंडीशन अगर नो फ्लो कंडीशन हो रहा हो, मतलब मेरा वाटर फ्लो ना कर रहा हो, तो उस वाले केस में क्या होने वाला है, वहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तीनों केस लेके चलेंगे, तो पहले सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं अपना केस नंबर वन जो मेरा है,
केस वन जो मेरा है, मान लो नो फ्लो कंडीशन, या तो मैंने क्या बताया था आपका, फ्लो अगर मेरा अपवर्ड कंडीशन में हो रहा हो या फ्लो मेरा डाउनवर्ड कंडीशन में हो रहा हो, ये भाई एक कंडीशन ये भी तो सकते हैं कि फ्लो ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होता है, अब देखो जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जितने भी तीनों केस हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं, और इसलिए बच्चा इन चीजों की वजह से इस टॉपिक को पढ़ के नहीं आता, क्योंकि ये निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे ज्यादा अफेक्टिव स्ट्रेस वाली यूनिट समझ में आ गई तो ये वाली तो और आसान है, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को अफेक्टिव स्ट्रेस की यूनिट समझ नहीं आती वो पढ़ने बैठ जाता है ये वाली कंडीशंस, और फिर क्या होता है सॉइल उड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखो नो फ्लो कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा वाटर है, इसके ऊपर और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, सॉइल का मास है, ठीक है। सैचुरेटेड मेरा सॉइल का मास है, ये मान लो हाइट क्या हो गई मेरी h1 और ये मेरी हाइट हो गई h, ठीक है।